अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी लोकेटर और मैं हूं आपका होस्ट उसामा खुर्शीद। व्यूअर्स, आज मैं आपको DHA Phase 6 लाहौर में एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट आर्किटेक्चर पे बने हुए घर का हाउस टूर करवाऊंगा जो कि आ चुका है मेरे पास सेल के लिए। ये एक कनाल का नियो क्लासिकल डिज़ाइन में बना हुआ हाउस है जो कि बहुत ही खूबसूरती से और बहुत डिफरेंट थीम पर तैयार किया हुआ है। कम्प्लीटली वाइट कलर की इसमें थीम आपको देखने को नज़र आती है घर में और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ओवरऑल इसका आपको फील, आपको महसूस करने में भी मज़ा आता है क्योंकि बहुत ही डिफरेंट और यूनिक किस्म की इसकी थीम है। और एक और ज़बरदस्त सी चीज़ है, इसका जो फ्रंट है ये आप देख रहे होंगे, आपको देखने से मे भी लग रहा होगा ये कोई टाइल है, लेकिन ये कोई टाइल नहीं है, ये टेक्सचर पेंट फिनिशिंग है जो कि बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से की हुई है। इस घर की डिमांड है 14,50,00,000 रुपये। 2 क्वार्टर्स बनाए गए हैं इसके बेसमेंट में विद अटैच्ड वॉशरूम और ऑब्वियसली जो किचन है उसकी डिफरेंट सी स्पेस है। इधर से मैं आपको इसका फ्रंट एलिवेशन व्यू करवा रहा हूँ। राइट साइड पे ये जो आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे काम किया हुआ है और रॉप लाइट जो है ऑब्वियसली एक बहुत ही नीट क्लीन किस्म का टच प्रोवाइड कर रही है। और अब चलते हैं इस घर का हाउस टूर स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं बाहर खूबसूरती से इसका लॉन एरिया मेंटेन किया हुआ है और ये इसका कार रैंप है जहाँ पे टाइल्स की फ्लोरिंग है और सेम एज इट इज़ यही कलर की फ्लोरिंग आपको इसके कार पोर्च में भी देखने को मिलती है। एक मज़े का सीन यहाँ पे यह है कि इसका कार पोर्च की स्पेस देखें, कितने बड़े साइज़ का कार पोर्च है। बहुत कम घरों में इतनी ज़्यादा स्पेस आपको नज़र आती है। यहाँ पे आपकी 3 गाड़ियाँ बहुत इजीली पार कर सकते हैं और 4 गाड़ियों को भी एडजस्ट करके आप पार कर सकते हैं। घर में एंटर होते हैं तो राइट साइड पे इनर लॉन एरिया की स्पेस है और स्लाइडिंग इसका मेन एंट्रेंस गेट है, ब्लैक कलर में इसको पेंट किया हुआ है और ये बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त किस्म की इसकी एंट्रेंस है। फ्लोरिंग पे आप देखें वाइट मार्बल का यूज़ किया हुआ है और खूबसूरत प्लांटर्स रखे हुए हैं जो कि आपको वेलकम करते हैं इस घर में आने से पहले। और इधर से भी इसका मैं एलिवेशन आपको दिखा दूँ, ये आप चेक कर लें, यहाँ से आपको इसकी फिनिशिंग नज़र आ रही होगी जो मैंने आपको बताया टेक्स्चर पेंट फिनिश यहाँ पर किया हुआ है। और अब चलते हैं इस घर के अंदर। काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे आपको ट्रैक मिलता है, एक पाथवे है और ये है इसका मेन एंट्रेंस डोर जिसकी जो टोटल हाइट है वो रखी गई है 12 फीट। और जब आप घर में एंटर होते हैं तो क्या ही कमाल की इसकी थीम आप एक्सपीरियंस करते हैं। नीचे फ्लोरिंग देखें, बहुत ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे टेक्सचर यूज़ किया हुआ है और ये इसकी स्टेयर्स है वाइट कलर का मार्बल यूज़ किया हुआ है यहाँ पे कम्प्लीटली। और इसकी डबल हाइटेड लॉबी के सेंटर में खूबसूरत शैंडिलियर और उसके ऊपर टेम्पर्ड ग्लास का यूसेज है जहाँ से डायरेक्ट सनलाइट जब घर में एंटर करती है तो घर बहुत ही खुला खुला और हवादार किस्म का महसूस होता है आपको। वेरी राइट पे होते हैं तो ये इसका ड्राइंग रूम है, लेकिन उससे पहले आप देख लें ये है जी इसका पाउडर रूम। नीचे इसका टाइल का टेक्सचर देख लें, सामने भी आप चेक कर सकते हैं बहुत ही खूबसूरत किस्म का यहाँ पे वॉलपेपर है और ग्लोसी वॉलपेपर लगाया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं खूबसूरत मोर बने हुए हैं। और आगे जाते हैं तो वैनिटी है, उसके ऊपर मिरर है और ये है इसका हैंगिंग कमोड। पूरे घर में कैले कंपनी की टाइल्स का यूज़ किया हुआ है और यहाँ से अगर आप लेफ्ट साइड पे होंगे तो ये है जी काफ़ी बड़ा मिरर जो कि वॉल पे लगाया हुआ है। मैं इधर से आपको दिखा भी देता हूँ, ये आप चेक करें। ओवरऑल जो वाइब है इस वॉशरूम की बड़ी कमाल की है। और इधर से आगे चलते हैं और यहाँ से इस वक्त सामने आप देख रहे हैं ये इसका डाइनिंग एरिया है। और डाइनिंग एरिया में जाने से पहले हम पहले देख लेते हैं जी इसका ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम की भी जो थीम है वो बड़ी ही कमाल की है और डार्केस्ट टोन रखी हुई है। इसके जो वॉल्स हैं पेंटिंग आप देख लें, जो पेंट किया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर है और जो फ्लोरिंग है वो वुडन टेक्सचर है। और यहाँ से आप लेफ्ट साइड पे होंगे तो खूबसूरत फायर किट लाइट ग्लोब्स वॉल पे और शैंडिलियर सीलिंग में आप देख रहे हैं रॉप लाइट का यूज़ किया हुआ है और काफ़ी बड़े साइज़ की ग्लास की यहाँ पर डिवियन भी की हुई है। व्यूअर्स, ये है इसका ड्राइंग रूम और रॉट आयरन से बना हुआ है इसका जो ड्राइंग रूम का गेट है या डोर आप इसको बोल सकते हैं। इधर से आप बाहर आएंगे तो जब लेफ्ट साइड पे आप होते हैं ये है आपके डाइनिंग एरिया की स्पेस, बड़े ही मज़े की स्पेस है। और एक जिस तरह आपने ताजमहल देखा होगा सारा कुछ ही वाइट वाइट नज़र आता है, ऑब्वियसली ये ताजमहल नहीं है लेकिन DHA का ताजमहल बोल सकते हैं क्योंकि पूरी की पूरी वाइट थीम यूज़ की हुई है। फ्लोरिंग में देखें टाइल्स और ब्रास का कितनी खूबसूरती से यूजेज है। लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो मर्करी मिरर का यूसेज है बहुत खूबसूरत तरीके से और खूबसूरत वॉल डेकोर किया हुआ है। सामने स्लाइडिंग आपको विंडो मिलती है, इधर से भी आप अपने डाइनिंग एरिया को एक्सेस कर सकते हैं। हायर के इन्वर्टर एसी लगे हुए हैं और खूबसूरत मिनी शैंडिलियर भी यहाँ पे हैंग कर रहा है। इधर से डायरेक्टली आप अपने किचन को भी एक्सेस करते हैं, ये है जी इसका किचन। और हम यहीं से आगे चलते हैं, यहाँ से जब आप किचन में आते हैं तो आप देखते हैं लेफ्ट साइड पे ये है इसका वॉश बेसन, स्लैब पे यहाँ ग्रेनाइट का यूसेज है और सेंटर में इधर आप देखेंगे तो 5-स्टोव बर्नर है हैवी किस्म का और ये है जी इसका किचन हुड, ये आप चेक कर लें।
इधर से आप देखते हैं राइट साइड पे आपके पास कैबिनेटरी स्पेस है, आगे बेकिंग और माइक्रोवेव अवन की भी स्पेस है, और यहाँ पे भी आपको स्पेस मिलती है। इस जगह को भी आप अपने नीड के अकॉर्डिंग यूटिलाइज कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर की जगह को यहाँ पे खाली छोड़ा गया है, यहाँ पे आप अपनी मर्जी का रेफ्रिजरेटर ला के रख सकते हैं। और ये है जी इसका सर्विस किचन। राइट साइड पे 3-स्टोव बर्नर, ऊपर किचन हुड है, और मैं यहाँ से आपको दिखा भी देता हूँ, ये चेक कर लें। ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉल होना है अभी, लेकिन ये इसके प्रॉपर हुड की स्पेस है। और इधर से अगर आप लेफ्ट होते हैं तो ये आप चेक करें कि कलर जो इसमें किया हुआ है वो भी वाइट कलर का ही है। डोर और जो वॉल्स हैं वो भी वाइट कलर की ही आपको नज़र आ रही हैं। इधर से हम बाहर आएंगे और सामने आप देखते हैं बहुत ही खूबसूरत और नीट एंड क्लीन फिनिशिंग में इसका टीवी लाउंज। सीलिंग डिज़ाइन देख लें, सामने आपको बहुत ही खूबसूरत किस्म की विंडोज़ मिलती हैं वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए। एक ज़बरदस्त सीन मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसका मेन एंट्रेंस है टीवी लाउंज का। नॉर्मली क्या होता है कि 7 टीवी लाउंज के ही आपको विंडो दी जाती है, लेकिन यहाँ पे विंडो नहीं है, आपको सेम उसी साइज़ का डोर इधर भी देखने को मिलता है। ये भी डोर है, ये विंडो नहीं है आपके पास, आप इसको भी ओपन कर सकते हैं और डायरेक्ट जो आपके लॉबी का एरिया है उसको इधर से भी एक्सेस किया जा सकता है। सो व्यूअर्स, ये है इसका टीवी लाउंज, और इधर से आपने देख लिया खूबसूरत इसका किचन। और राइट साइड पे मीडिया वॉल पे खूबसूरत टाइल वर्क, बहुत ही खूबसूरत 3x6 की 4 टाइलों को लगाया हुआ है, और बॉर्डर वर्क पे कम्प्लीटली ब्रास का यूसेज है। आगे चलेंगे तो लेफ्ट साइड पे इसके स्टोर रूम की स्पेस है, ये भी लॉक्ड है फिलहाल, इसमें कुछ सामान मौजूद है। और ये है इसका एक बेडरूम, ये भी आप देख लें। जो बेडरूम्स हैं, वॉशरूम्स हैं, बहुत ही डिफरेंट थीम है। अब तक आपने जितने भी घर देखे होंगे, चाहे मेरे चैनल पे या चाहे कहीं पे भी आपने देखे हो, और इस घर की बहुत ही डिफरेंट और क्लासी किस्म की वाइब है। नीचे फ्लोरिंग पे आप चेक कर लें, बहुत ही खूबसूरत टेक्सचर की टाइल्स हैं, सामने यूनिक किस्म की वैनिटी रखी हुई है, और ऊपर आप देख लें LED मिरर है और हैंगिंग लाइट है। शावर एरिया आपके पास और कैले का ही आपके पास हैंगिंग कमोड है। पूरे घर में कैले कंपनी की वॉशरूम एक्सेसरीज के यूजेज है, फिर चाहे वो टाइल्स हों या इसके अलावा आप देख रहे हैं हैंगिंग कमोड हो। अब जैसे इसको ओपन करते हैं ऑटोमेटिक लाइट्स हैं, इसका कैबिनेट डोर ओपन करते ही लाइट्स ऑन हो जाती हैं और क्लोज करते ही लाइट्स ऑफ भी हो जाती हैं। इधर से हम आगे चलेंगे और लेफ्ट होंगे तो ये है जी इसका सेकंड बेडरूम। ये चेक करें, ये इसका सेकंड बेडरूम है, और लेफ्ट साइड पे ये आप देख रहे हैं खूबसूरत हैंगिंग लाइट्स यहाँ पर रखी हुई हैं। ये है इसकी बेड वॉल, और सामने वेंटिलेशन के लिए आपको विंडोज़ दी गई हैं। ये राइट साइड पे ये है इसकी मीडिया वॉल, फ्लोरिंग कम्प्लीटली इसकी वुडन की है, और यहाँ से मैं आपको ये दिखा देता हूँ। इधर से आपको बेल भी दी हुई है, आप इसको भी प्रेस कर सकते हैं, यानी इन केस अगर आप चाहते हैं कि जो घर में काम करने वाले हैं वो अगर आप उनको बुलाना चाहते हैं तो इस बटन को भी आप प्रेस कर सकते हैं। ओवरऑल आप देख रहे होंगे पूरे घर में अगर वॉलपेपर की सिलेक्शन है वो भी वाइट कलर की है, फ्लोरिंग की जो थीम है वो भी वाइट है। और अब ये देखें, ये वॉशरूम है, वॉशरूम की भी कितने मज़े की थीम है, मतलब इतना रिलैक्स करने वाला माहौल है इस घर का कि ये है इसका अटैच्ड वॉशरूम, जिसमें बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे आपको टाइल वर्क देखने को मिलता है और LED मिरर है। और मोर ओवर आगे यहाँ से आते हैं तो ये है इसका कमोड एरिया, और उसी के साथ ग्लास की पार्टीशन करके आपके पास इधर आ जाता है इसका शावर एरिया, यानी शावर के लिए और कमोड के लिए आपके पास डिफरेंट स्पेस है। और यहाँ से आगे आते हैं तो ये है इसकी वैनिटी स्पेस, और ये UV शीट इतनी ज़बरदस्त है कि इस पर मैं हाथ फेर रहा हूँ, आप यकीन करें, बहुत ही ज़बरदस्त प्रीमियम क्वालिटी की, बहुत ही आला क्वालिटी की UV शीट्स हैं, और फिनिशिंग का लेवल ही कुछ और है। ये आप चेक कर लें, ये है इसका वार्डरोब की स्पेस। सो व्यूअर्स, ये है इस घर का ग्राउंड फ्लोर। अब हम चलते हैं और इसका फर्स्ट फ्लोर देख लेते हैं, जहाँ पे 3 बेडरूम्स हैं और साथ में ऑब्वियसली ओपन टेरेस, बहुत ही ज़बरदस्त और कोजी किस्म का एनवायरनमेंट है इसके ओपन टेरेस का भी। डबल हाइटेड लॉबी भी मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, और ये आप चेक करें कितनी खूबसूरती से इंस्टॉल की हुई ये चीज़ें। ओवरऑल रॉट आयरन का यूज़ करके इसकी रेलिंग को बनाया हुआ है, और इधर से भी मैं आपको इसकी डबल हाइटेड लॉबी का जो खूबसूरत व्यू मिलता है ना वो एक्सपीरियंस करवाता हूँ। ये देखें, यहाँ से देखें कितना कमाल का व्यू आपको मिलता है। शैंडलियर हैंग कर रहा है और सामने लाइट ग्लोब्स लगे हुए हैं, और अगर रूफ पे आप देखें तो टेम्पर्ड ग्लास का यूजेज है। मजीद आगे चलते हैं, फर्दर प्लान देखते हैं, उससे पहले फ्लोरिंग पे देख लें, आर्टिस्टिक किस्म का काम किया हुआ है। इधर से लेफ्ट होंगे तो इस बेडरूम की जो एंट्रेंस है
वो भी किसी रॉयल एंट्रेंस से कम नहीं है, क्योंकि आप देख लें बहुत ही खूबसूरत किस्म की एंट्रेंस है और एंट्रेंस डोर है ग्लास और वुड के कॉम्बिनेशन के साथ। ये है जी इसका काफ़ी बड़े साइज़ का बेडरूम, बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत शैंडिलियर। ये जिस तरह पत्ते वगैरह होते हैं ना, अक्सर हवा तेज़ वगैरह चले तो वो बिखर जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत किस्म का सीन होता है, वही सीन आपको इस शैंडिलियर में भी मिलता है और वही सीन आपको सामने लगे हुए लाइट ग्लोब्स में भी नज़र आता है। यहाँ से आप व्यू करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नज़ारा आप देखते हैं इसके ओपन टेरेस का। फ्लोरिंग में टाइल्स में बहुत अच्छे तरीके से सिंथेटिक ग्रास को ब्लेंड किया हुआ है, लेफ्ट साइड पे प्लांट्स को रखा हुआ है, और इधर से ओवरऑल जो इस कमरे का व्यू है वो बहुत ही कमाल का है। मीडिया वॉल के लेफ्ट साइड पे वार्डरोब्स आपको बेडरूम में भी मिलती हैं और वार्डरोब्स आपको इसके अटैच्ड वॉशरूम में भी मिलती हैं। फ्लोरिंग में अगेन वाइट एंड ब्लैक, सामने डबल वैनिटी डबल मिरर के साथ और बहुत ही खूबसूरत फोकस लाइट्स। खूबसूरत यहाँ पे ये देखें, ये है इसका बाथटब, ये जकूजी नहीं है ये बाथटब है, और इसके ऊपर देख लें कितना ज़बरदस्त किस्म का शैंडिलियर लगाया हुआ है, ये आप चेक करें। राइट साइड पे होंगे तो वेरी राइट पे आपके पास है कमोड का एरिया, उसी के साथ आपके पास है शावर एरिया, एंड इधर से राइट साइड पे जब आप सामने देखते हैं तो वॉल पे कम्प्लीटली आपको वार्डरोब की स्पेस मिलती है। सो व्यूअर्स, ये है इसका फर्स्ट बेडरूम जब आप स्टेयर से लेफ्ट साइड पे आते हैं, और इधर से हम जब राइट होके आगे जाएंगे तो अब हम देखते हैं इसका फर्दर प्लान। आप अपने ओपन टेरेस को यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं और आगे से भी कर सकते हैं इसके लाउंज से। लाउंज में फ्लोरिंग अगेन वुडन की है, लेकिन ये सीन देखें कितना खूबसूरत है। इस तरह का सीन शायद आपने किसी दुबई में मौजूद कोई फ्लैट में या विला में देखा होगा, ये वहाँ से इंस्पायर्ड है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक क्लासी किस्म का हाउस बनाया है, एक डिफरेंट थीम पे, डिफरेंट पैटर्न पे, डिफरेंट कलर्स ऑफ सिलेक्शन पे, और डिफरेंट इसमें किस्म का मटेरियल यूज़ किया हुआ है। ये सीन देखें आप, ज़बरदस्त यहाँ पे हैंगिंग लाइट, सामने आपके पास वॉश बेसन, आप यहाँ पे हॉट प्लेट और अवन वगैरह अपने नीड के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और कमाल का ज़बरदस्त सीन ये है, एक मिनी स्टोरेज स्पेस आपको मिलती थी नीचे, और उसी के साथ इसके फर्स्ट फ्लोर पे भी प्रॉपर स्टोर रूम है जिसमें स्लैब्स को भी लगाया हुआ है, और इसका जो स्टोर रूम का साइज़ है वो नॉर्मल एक कनाल के घर के स्टोर रूम से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। एंड ऑब्वियसली सामने से आप अपने ओपन टेरेस को भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम आते हैं तो राइट और लेफ्ट साइड पे इसके दो बेडरूम्स हैं। पहले हम ये लेफ्ट वाला बेडरूम देख लेते हैं जिसकी बेड वॉल की थीम देखें आप, ये चेक करें कितना ज़बरदस्त किस्म का काम किया हुआ है इंटीरियर डिज़ाइनर ने। ऑब्वियसली एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को यूटिलाइज़ किया है और घर की जो प्रेजेंस है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से इन्हेंस किया हुआ है। राइट साइड पे अगेन ओपन टेरेस की आपके पास स्पेस है, एंड इसकी मीडिया वॉल के साथ ही अटैच्ड वॉशरूम, फ्लोरिंग की टाइल्स, सामने जो इसकी वैनिटी है उसकी टाइल्स, नीचे टाइल का काम है, ऊपर कोरियन का काम किया हुआ है, LED मिरर है, क्यूबिकल शावर एरिया है, हैंगिंग कमोड, वेंटिलेशन के लिए विंडो के साथ ऊपर एग्जॉस्ट फैन, और एक ज़बरदस्त सीन मैं आपको दिखा देता हूँ, टेम्पर्ड ग्लास को लगाया हुआ है, जब डे के टाइम यहाँ से लाइट एंटर करती है तो एक बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस आपको मिलता है। और ये चेक करें कलर कॉम्बिनेशन कितना डार्केस्ट टोन में है, ये है जी इसकी वार्डरोब की यूवी शीट, और ये चेक करें इसकी वार्डरोब्स, इसकी फिनिशिंग का लेवल देखें आप। व्यूअर्स, ये था इसका सेकंड बेडरूम, और अब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के थर्ड बेडरूम की तरफ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इनकी जो डोर्स की हाइट है वो 8-8 फुट है, ये आप देख लें यहाँ पे राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, सॉरी 7-7 फुट है, ये 7-7 फुट के डोर्स हैं, और ये इसलिए रखे गए हैं, इसकी रीज़न मैंने पूछी ऑनर से कि इतनी कम हाइट क्यों रखी है, बेसिकली ये इस घर की थीम को मेंटेन करने के लिए इस डोर की हाइट को इतना रखा गया है, क्योंकि जब आप मेन डोर से एंटर करते हैं घर के या टीवी लाउंज में मौजूद जिस तरह से ये सामने वाला डोर है, इनकी 11-11 फुट हाइट है, यहाँ से एंटर करते हैं तो एक डिफरेंट किस्म का एक्सपीरियंस आपको मिलता है, और जब इधर से एंटर करते हैं एक बड़े बेडरूम में जिसकी सीलिंग की हाइट भी 11 से 11.5 फुट तक है, तो एक ज़बरदस्त किस्म का आपको एक फील, एक वाइब मिलती है। और ये है इसका थर्ड बेडरूम जिसमें आप इस पर व्यू कर रहे हैं राइट साइड पे इसकी मीडिया वॉल, और मीडिया वॉल पे भी बड़ा आर्टिस्टिक किस्म का काम किया हुआ है, ये वॉलपेपर्स हैं सारे इम्पोर्टेड, सामने वेंटिलेशन के लिए आपको विंडोज़ भी मिल जाती हैं, एंड ये बेड वॉल है, और बेड वॉल की बैक साइड पे अटैच्ड वॉशरूम, फ्लोरिंग अगेन खूबसूरत, सिर्फ फ्लोरिंग ही नहीं वॉशरूम उसी पैटर्न पे जिस तरीके से आपने नीचे मौजूद एक बेडरूम में देखा था, सबसे पहले वैनिटी, ऊपर मिरर है, और यहाँ पे डिवीजन की हुई है कमोड एरिया में और
शावर एरिया में। सो व्यूअर्स, ये थी इसकी डिवीजन और यहाँ पे आपके पास स्पेस है, यहाँ आप अपने नीड के अकॉर्डिंग चीज़ों को रख सकते हैं। वार्डरोब्स अगेन इनकी मैं तारीफ करूँगा, बहुत खूबसूरत और बहुत मज़े का सीन है। ये चेक करें, क्वालिटी पे तो किसी तरीके से भी कंप्रोमाइज़ नहीं है और ज़बरदस्त तरीके से घर को ओवरऑल कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। सो व्यूअर्स, ये तो था इस घर का कंप्लीट हाउस टूर। इस घर के बेसमेंट में, जैसा कि मैंने आपको बताया, दो सर्वेंट क्वार्टर्स हैं और सेपरेट उनके लिए वॉशरूम और किचन की स्पेस भी मौजूद है। इस घर की जो डिमांड है वो रखी गई है 14,50,00,000 रुपये, और 14,50,00,000 में इस घर की डिमांड है। मज़ीद इस घर को अगर आप विज़िट करना चाह रहे हैं या अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए या और किसी किस्म की ऑप्शन आप ढूंढना चाह रहे हैं, या अगर आप चाहते हैं DHA में कोई सेलिंग परचेजिंग के रिगार्डिंग कोई असेसमेंट लेना चाह रहे हैं, इन्फॉर्मेशन किसी किस्म की चाहिए, तो उसके लिए आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 03220405751। डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर मौजूद है। DHA फेज़ 5 में ही मेरा ऑफिस है। अगर आप मेरे से मुलाकात करना चाहते हैं तो आप मेरे से मुलाकात भी कर सकते हैं। और इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। मेक श्योर इस चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ताकि इन फ्यूचर भी मैं आपके लिए ऐसे ही डिटेल्ड इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।